कोई भी लोकतंत्र लोगों के भरोसे पे चलता है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संबंध में भी हमने वही तर्क दिया था कि मामला ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की जा सकती है, बुनियादी बात यह है कि लोगों के मन में यह धारणा है कि इससे खिलवाड़ किया जा सकता है, इससे छेड़छाड़ की जा सकती है, इट कैन बी गेम्ड। और जब लोकतंत्र में किसी प्रक्रिया के ऊपर लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और जो इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड्स का अनुभव रहा है अभी तक, 95% पैसे भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इसमें कोई क्विड प्रो को है, इसमें कहीं पे किसी ने किसी नीति को किसी पॉलिसी को प्रभावित तो नहीं किया। और 6100 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से खरीदे बेचे गए, तो इसलिए ये हमने मुनासिब समझा, अपना इतनी जिम्मेवारी समझी कि इसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा लोकसभा और राज्यसभा में हम मांगे। और सदन जितने भी दिन और चलेगा हमारी ये कोशिश होगी कि जितनी क्षमता हम में है बाकी विपक्षी दलों को भी साथ लेते हुए हम इस मुद्दे को निरंतर और लगातार उठाते रहें। और उच्चतम न्यायालय से भी हमारी ये मांग है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, कि उच्चतम न्यायालय भी जल्द ये इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड्स के ऊपर फैसला करे। उन्होंने एक अंतरिम ऑर्डर दिया है, उस अंतरिम ऑर्डर की पालना करना सबका कर्तव्य बनता है और उसके अनुसार राजनीतिक दलों को 30 मई 2019 तक जितने बेरर बॉन्ड्स उनके पास आए थे उसका खुलासा, उसका वेरवा चुनाव आयोग को देना था। कांग्रेस पार्टी ने वो वेरवा दे दिया है। कई बाकी पार्टियों के बारे में, खासकर सत्तारूढ़ दल के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसकी नजाकत को जहन में रखते हुए ये जो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पे हम बैठे हैं, इसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए और आम आदमी की जो आस्था है भारत की लोकतंत्र में उसको बचाने के लिए ये इलेक्टोरल बेरर बॉन्ड्स और इसके माध्यम से इलेक्टोरल कैंपेन फाइनेंस और पॉलिटिकल फाइनेंसिंग पे एक विस्तृत चर्चा की दोनों सदनों में जरूरत है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, वो जब जारी किए हैं उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमली जामा चढ़ गया है। मेरी बात सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, 2017 से पहले इस देश में एक मूलभूत ढांचा था और उस मूलभूत ढांचे के तहत जो धन पशु है, जो धनी लोग हैं, उनका भारत की सियासत में जो पैसे का हस्तक्षेप था उसके ऊपर नियंत्रण था। पर 1 फरवरी 2017 को जब आम बजट में इस सरकार ने ये प्रावधान किया कि अज्ञात इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाएं, जिसके ना डोनर का पता है, ना जितना पैसा दिया गया उसकी कोई जानकारी है और जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है, उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर अमली जामा चढ़ाया गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जब पहले ये स्कीम लागू की गई
ये स्कीम सिर्फ लोकसभा के जो आम चुनाव हैं उस तक सीमित थी, पर विडंबना की बात है, 11 अप्रैल 2018 को कर्नाटक के चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश से नाम मत ले, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के कागज है, बिना अध्यक्ष जी मैं कागज पटल पे रख सकता हूँ, कागज अध्यक्ष जी मैं कागज पटल पे रख सकता हूँ, अन्य सदस्य नो अध्यक्ष जी मैं कागज पटल पे रख सकता हूँ, कागज है आरटीआई के माध्यम से सुमान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम इलेक्टोरल इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, पैसे की ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और हम ये पाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो 95% राशि है वो एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। इसमें एक और प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप डिटेल्स दीजिए किस पार्टी को कितना पैसा प्राप्त हुआ। कांग्रेस पार्टी ने विद इन द टाइम लिमिट इन्फॉर्मेशन दे दी, हमको नहीं पता बीजेपी ने वो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है, और हम चाहते हैं कि वो जो पूरी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास है आज की ट्रांसपेरेंसी के ज़माने में उसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम हर कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक पोलिटिकल पार्टी को मिलता है और उस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमको डिक्लेयर करना पड़ता है और उसकी स्क्रूटनी होती है, वेरिफिकेशन होता है, तो जो लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं और जिनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में स्टेक होता है, उनसे हम क्यों, उनके बारे में क्यों नहीं पब्लिक को पता चले कि उन्होंने कितना पैसा दिया है। अल्टीमेटली ये बिग बिजनेसेस हाउसेस जो होते हैं जब ये पैसा देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि उनको कहीं ना कहीं कहीं बेनिफिट चाहिए। हम चाहते हैं कि पब्लिक के सामने पूरी बात आए। देखिए इलेक्शन इज द स्पाइन ऑफ द पूरा रीढ़ की हड्डी है इलेक्शन। इलेक्शन अगर फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो डेमोक्रेसी नहीं है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को आपने इंट्रोड्यूस करके और जिस प्रकार से उसका यूज हो रहा है और जिस प्रकार से एक ही राज्य पूरी राशि एक पार्टी को जा रही है, इससे पूरा सिस्टम ऑफ इलेक्शन डिस्टर्ब हो चुका है। देयर इज नो फेयर प्ले इन इट, इवन हैंडेड जस्टिस नहीं है, और इसलिए हम आज डिमांड कर रहे हैं कि ये इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए और पब्लिक को पता होना चाहिए कि जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जब एक पार्टी को मिल रहे हैं तो किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है।